आगामी 2024 के इलेक्शन में आप एज अ पीएम किसे देखना पसंद करेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस 2024 के लिए कोई दूसरा विपक्ष से कोई उम्मीदवार दावेदार हो सकता है तो मोदी ही क्यों? अब क्यों, अब मोदी है तो मुमकिन है और कौन? मुमकिन है क्या? कोई भी बन जाए आपको उससे टेंशन नहीं। अच्छा, कोई भी बन जाए, आप इस देश में रहते हो तो कोई भी कैसे बन जाए? ऐसा ही होगा। आप लोग क्या है, धंधा कर रहे हैं, अपन रोड पे धंधा करेंगे ना। नमस्कार भैया, आगामी 2024 के इलेक्शन में आप एज अ पीएम किसे देखना पसंद? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको बहुत पसंद आया? सभी काम में बहुत अच्छे लगे। आपके हिसाब से पीएम मोदी जी जो हैं वो पीएम के सही दावेदार हैं? दावेदार सही नहीं है, लेकिन उनको चुनौती देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं। नमस्कार भैया, आगामी 2024 के इलेक्शन में एज अ पीएम आप किसे देखना पसंद करेंगे? मोदी जी को। ऐसा कौन सा काम है जो आपको मोदी जी का पसंद आया? मोदी आने का डाउट है। तो क्या आप चाहते हैं मोदी आए? नहीं, मोदी नहीं आएगा तो कांग्रेस से आएगा लगता है। पीएम देखेगा तो मोदी देखेंगे। नमस्कार भैया, आगामी 2024 के इलेक्शन में आप एज अ पीएम किसे देखना पसंद करेंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी ही क्यों? नमस्कार साथियों, मैं निश्चय भारत 24/7 की टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं धारावी, एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी इलाका, और यहां हम जानना चाहेंगे लोगों से कि वो आगामी 2024 के इलेक्शन में किसे एज अ पीएम देखना चाहेंगे। तो चलिए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। हेलो अंकल जी, आगामी 2024 के इलेक्शन में आप एज अ पीएम किसे देखना पसंद करेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस में कोई प्रतिनिधि जो आपको लगता है काबिल है? हो सकता है। आ सकता है काबिल? आएंगे। ठीक है, क्यों लगता है कि कांग्रेस ही काबिल है? अभी थोड़ा तकलीफ में है बीजेपी। बीजेपी से आप खुश नहीं है? नहीं है। धन्यवाद। क्यों खुश नहीं है? इसको ज़्यादा तकलीफ है हम लोग। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस आपकी तकलीफें ख़त्म कर देंगी? पहले तो नहीं था, अभी वो नहीं रहेंगे करके ऐसा लगता है। अब इस वक्त तो देश में तो एक ही पीएम के रूप में जो खड़े हैं तो वो मोदी जी है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन अगर आता है तो, लेकिन ऐसा ऑप्शन अब विपक्ष के पास लगता नहीं है कि उनके मुकाबले कोई खड़ा रह के प्रधानमंत्री पद के लिए कोई खड़ा दावेदार उम्मीदवार लगता नहीं। विपक्ष बहुत बिखरा हुआ लगता है और उसके कारण ऐसा लगता नहीं है कि 2024 के लिए कोई दूसरा विपक्ष से कोई उम्मीदवार दावेदार हो सकता है। तो आपके हिसाब से पीएम मोदी जी जो हैं वो पीएम के सही दावेदार हैं? दावेदार सही नहीं है, लेकिन उनको चुनौती देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं। कोई उपलब्ध नहीं है। आपके हिसाब से 2024 के इलेक्शन में कौन पीएम के रूप में देखना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल तो मोदी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ये कहे जो कांग्रेस सरकार आएगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो दे सकता है टक्कर। आपके हिसाब से मल्लिका अर्जुन जी उनको टक्कर दे सकते हैं? क्या कारण है मल्लिका अर्जुन जी उन्हें टक्कर दे सकते हैं? उनका मैंने भाषण देखा है, संसद में बैठ के भाषण जो करता है सामने वाले को बराबर से बात करता है। अभी तो मोदी सरकार तो अच्छा है, झगड़ा नहीं कुछ नहीं, थोड़ा महंगा है लेकिन झगड़ा नहीं कुछ नहीं, शांति है। तो मोदी सरकार के दौरान महंगाई बढ़ी है? महंगा थोड़ा है लेकिन इतना शांति है। आप खुश हैं? खुश है। आगे भी आप मोदी सरकार को ही एज अ पीएम देखना चाहेंगे? उनको देगा ना। मोदी जी का क्या अच्छा लगा आपको काम जो आप उसको? अभी ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा बोल नहीं सकते, थोड़ा महंगा है लेकिन शांति है ना, देश तो थोड़ा ज्यादा किधर भी झगड़ा नहीं खुशी नहीं चल रहा है। अच्छा नहीं। नमस्कार भैया, आगामी 2024 के इलेक्शन में एज अ पीएम आप किसे देखना पसंद करेंगे? मोदी जी को। ऐसा कौन सा काम है जो आपको मोदी जी का पसंद आया? हर काम, मतलब विदेशों में हमारे देश का नाम मतलब आगे आया है, मतलब हम एक वर्ल्ड लीडर के रूप में हम उभर के सामने आ रहे हैं। क्यों मोदी ही क्यों? क्योंकि उनको काम करने की जो वो है, मतलब डिसीजन लेने का जो क्षमता है वो अभी देखिए नोटबंदी का था तो कांग्रेस बहुत पहले से सोच रही थी लेकिन कर नहीं पाई, लेकिन मोदी एक झटके में मतलब निर्णय ले लेता है। सबसे अच्छा डिसीजन कौन लेगा मोदी का? मोदी का सारे डिसीजन अच्छे हैं, नोटबंदी और ये सब जो 2000 नोटबंदी सब सारे डिसीजन अच्छे हैं उनके। क्या तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई।
अगर मान लीजिए कि डीजल पेट्रोल का दाम अगर महंगा है तो हमारे लिए भी तो कुछ काम अपने करके दे रहे हैं। कोविड के दौरान आपको सरकार ने क्या प्रॉपर सुविधाएं मुहैया कराई? मोदी सरकार ने आपको पूरा समर्थन दिया? नहीं नहीं, समर्थन तो उसने दिया, लेकिन कोविड में जहाँ तक बात है कि तो थोड़ा सा उनसे मतलब गलती हुआ कि मतलब पब्लिक को संभलने का मौका नहीं दिया। प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? डाउट है, मोदी आने का डाउट है। मोदी आने का डाउट है, तो क्या आप चाहते हैं मोदी आए? नहीं, मोदी नहीं आएगा तो कांग्रेस से आएगा लगता है। लॉर्ड बहुत परेशान हो गया ना सब लोग उसके लिए। मोदी ने क्या काम, मोदी सरकार ने काम नहीं किया? काम किया, अच्छे किया, मगर इंसान लोग बहुत ये हो गया। आपको क्या तकलीफ आई मोदी सरकार में? अभी रेट भी बहुत ज़्यादा है ना, गैस का रेट सब उतर रहे हैं उसके लिए, और कुछ नहीं। तो आप चाहते हैं कि मोदी सरकार नहीं आए इस बार? डाउट लग रहा है मेरे को, डाउट लग रहा है। नमस्कार भैया, आगामी 2024 के इलेक्शन में आप एज ए PM किसे देखना पसंद? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का ऐसा कौन सा काम है जो आपको बहुत पसंद आया? सभी काम बहुत अच्छे लगे, सारे ही काम अच्छे लगे। क्या आपको लगता है कि कोई उन्हें टक्कर दे सकता है? कोई नहीं, कोई टक्कर नहीं दे सकता। उनमें क्या अच्छा है कि हमारे इसके लिए है, क्या हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए सब है। अच्छा, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस क्यों नहीं, उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं है? मैं सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए, नमस्कार अंकल, आगामी 2024 के इलेक्शन में आपको क्या लगता है कौन एज अ PM आप देखना चाहेंगे? PM देखेगा तो मोदी देखेंगे। मोदी ने ऐसा क्या किया जो आपको बहुत पसंद आया? मोदी अभी क्या है, वो स्टेट में भी आए, उसका है ना गवर्नमेंट है, सिंह सरकार है, वो बोलते हैं सस्ता करेगा। जो ये गदर किया वो कोई किसी को पसंद नहीं है। अच्छा, सिंधे ने जो गवर्नमेंट गदर किया वो दो टाकरे के साथ, वो किसी को पसंद नहीं। अच्छा, तो आप चाहते हैं आगामी चुनाव में मोदी की सरकार हो? नहीं, केंद्र में मोदी रहना चाहिए, नहीं ये राज्य में है ना, महाराष्ट्र में। हाँ, ये सरकार रहना चाहिए, ये उद्योग का उद्योग सरकार का रहना चाहिए। नमस्कार भैया, आगामी 2024 के इलेक्शन में आप एज ए PM किसे देखना पसंद करेंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी ही क्यों? राहुल देश बहुत अच्छा, मतलब इतना महंगाई नहीं होता है, पेट्रोल डीजल सब सस्ता रहता है। आपके हिसाब से कांग्रेस ज़्यादा बढ़िया है मोदी सरकार से? बेटर 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 है। या ऐसा कौन सा काम है जो राहुल गांधी का आपको पसंद आया? वो उनके सत्ता में इतना महंगाई कभी नहीं हुआ था, कांग्रेस सत्ता में इतनी महंगाई नहीं हुई, तो आपके हिसाब से मोदी सरकार की सत्ता में बहुत महंगाई बढ़ी है? जी बेहतर, उसमें कोई शक नहीं। तो आप मोदी सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट है जो चल रहा है सरकार अभी, ऐसा नहीं है, मगर नेक्स्ट में चॉइस कर रहे हैं राहुल गांधी को। धन्यवाद भैया, आगामी 2024 के इलेक्शन में एज ए PM आप किसे देखना पसंद करेंगे? कोई भी बन जाए आपको उससे टेंशन नहीं। अच्छा, कोई भी बन जाए, आप इस देश में रहते हो तो कोई भी कैसे बन जाए? ऐसा ही होगा, आपको क्या है, धंधा कर रहा है, अपन रोड पे ही धंधा करेंगे ना, कोई भी बन जाए उससे मतलब। सरकार से आपको कोई लेना देना नहीं है? कुछ नहीं, अपना रोड पे है, रोड पे रहेंगे। चलिए, आगामी 2024 के इलेक्शन में एज ए PM आप किसे देखना पसंद करेंगे? अभी जो है वही सरकार है, चल रहा है, चलने दो। तो आप उनसे संतुष्ट हैं? संतोष है, बहुत संतोष है, बहुत संतोष। क्या खासियत है? सब डिजिटल इंडिया बना दिया है, सब बात चल रहा है, सब आगे आगे चल रहा है, अभी 60 साल से नहीं हुआ, वो 8 साल में कर दिया है। वो तो बोलिए, धारावी के लोगों से हमने बात की तो हम जान पा रहे हैं कि कुछ लोग मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी है तो मुमकिन है और कुछ लोग राहुल गांधी है तो मुमकिन है। चलिए जानना चाहेंगे यहाँ पे भी। नमस्कार, आगामी 2024 के इलेक्शन में एज ए PM आप किसे देखना पसंद करेंगे? आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप एज ए PM प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? किसने देखने पसंद कर रहे हैं? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए आपके हिसाब से? इसे आप कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? मोदी ही क्यों? अब क्यों, अब मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन है। क्या चीज अच्छा लगा मोदी? कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है।